एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सैवी फॉरेंसिक्स। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के 54th पार्ट पर, जहां पर हम बात करने वाले हैं फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ फोटोकॉपीड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा करेक्शन करवाना है। जो मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था वर्किंग प्रोसीजर वाला, वर्किंग प्रोसीजर ऑफ फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट का, फोटोकॉपियर का, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो ड्रम होता है उस ड्रम की सरफेस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, मैंने आपको ये बोला था कि उस ड्रम की सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जो कि चार्ज कोरोना जो होता है वो प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी गलत हो गई थी। एक्चुअली जो ड्रम होता है उसकी सरफेस के ऊपर जो आपका चार्ज प्रोड्यूस होता है चार्ज कोरोना के थ्रू, वो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो मतलब कि जिस जिस सरफेस पर आपका कंटेंट लिखा होगा, जहाँ पर आपकी ब्लैक लाइट एमिट करती है, वहाँ पर आपका जो चार्ज होता है वो न्यूट्रलाइज नहीं होता है और वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आपका अवेलेबल रहता है। और जहाँ जहाँ पर आपकी वाइट लाइट का आपका रिफ्लेक्शन पड़ता है, तो उस जगह पर वो वाइट लाइट नेगेटिव चार्ज लेकर आती है और पॉजिटिव चार्ज जो अवेलेबल होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। तो जहाँ जहाँ पर भी आपका कुछ भी लिखा होगा वो आपका पॉजिटिव चार्ज रहेगा। मतलब कि मान लीजिए कहीं पर एक लिखा हुआ है, आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है। तो अब जब इस पर लाइट पड़ती है, तो जब वो आपकी फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट पर पड़ेगी, तो उस कंडीशन में होगा क्या, ये जो आपकी ब्लैंक जितनी भी सरफेस है ये सारी की सारी, इससे नेगेटिव चार्ज आता है और वो नेगेटिव चार्ज जितना भी आपके ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और ड्रम के ऊपर जो इमेज बन के आएगी वो ए बनेगा और वो सारा का सारा आपका इस तरह से सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज उस सरफेस पर अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके ड्रम के ऊपर वो इमेज बनेगी उस पर्टिकुलर कंटेंट की, और उसके बाद में जो टोनर होता है वो आपके नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। तो जब टोनर इसके साथ में कांटेक्ट में आता है, तो नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो आपके पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ होनी है, ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज के फॉर्मेट में आपका कंटेंट लिखा होगा, उसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज्ड टोनल पार्टिकल्स जो होंगे वो अपने कांटेक्ट में आएंगे, पॉजिटिव के साथ में अट्रैक्ट करेंगे, और उसके बाद में जो आपके सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज के साथ में जो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो चुका था, तो अब उसके बाद में होगा क्या, ये सारा का सारा जो आपका इंक थी उसको आपको पेपर पे ट्रांसफ़र करना होगा। तो पेपर जो होगा यहाँ पर आपका, वो आपका पॉजिटिव चार्ज लेकर आएगा अपने साथ में, ताकि नेगेटिव चार्ज को वो कैरी कर पाए। ठीक है, तो यही चीज़ था। और मैंने प्रीवियस वीडियो में जो वर्किंग बताई थी वहाँ पर जस्ट ऑपोजिट बता दिया था कि जो आपका ड्रम होता है वहाँ पर नेगेटिव होता है, टोनर आपका पॉजिटिव होता है और पेपर आपका नेगेटिव होता है, लेकिन वो नहीं था, वो थोड़ा सा गलत हो गया था। यहाँ पर जो आपका ड्रम होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, उसके बाद में जो टोनर होगा वो नेगेटिव चार्ज होता है जो कि पॉजिटिव के साथ में अट्रैक्ट करेगा, और जो पेपर होगा आपका वो पॉजिटिव चार्ज लेकर आएगा। ठीक है, तो तीन चीज़ें हो गई, ड्रम पॉजिटिव चार्ज, टोनर नेगेटिव चार्ज, पेपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये चीज़ था जो कि करेक्शन करवाना था, तो थोड़ी सी गलती हो गई थी मुझसे एक्सप्लेनेशन के टाइम पर, एंड कोशिश करूँगी कि आगे से ऐसा ना हो, कोशिश कर मैं श्योरिटी देती हूँ कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। उसके अलावा जो वाला वीडियो था उसके कमेंट सेक्शन में मैंने वो जो करेक्शन है उसको पिन भी कर दिया है, तो वहाँ से भी आप जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, एंड अभी हम आगे मूव कर जाते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। सो आज का जो हमारा वीडियो है जहाँ पर हम बात करेंगे फिज़िकल एग्जामिनेशन के बारे में, तो यहाँ पर जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें एग्जामिनेशन में करते क्या क्या हैं, सो बेसिकली यहाँ पर जो टोनर का टाइप होता है, फ्यूजन मेथड होते हैं, स्प्लैटरिंग इफेक्ट जो होता है टोनर का, ट्रैश मार्क्स, ग्लास प्लेट्स के डिफेक्ट मार्क्स जो होते हैं, ड्रम डिफेक्ट्स मार्क्स जो होते हैं, उसके अलावा जो रोलर डिफेक्ट मार्क होता है, जो ट्रैश मार्क होता है रेसिडुअल पाउडर्स की वजह से, रेसिडुअल टोनर की वजह से, और उसके अलावा CPC जिसको हम बोलते हैं काउंटरफीट प्रोटेक्शन सिस्टम कोड, CPSC जनरली इसको बोला जाता है, जो कि आपकी फोटोकॉपीड जो फोटोकॉपी होती है कलर फोटोकॉपी, उसमें इसका यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का एग्जामिनेशन करके आप फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट का एग्जामिनेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए करके जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर कुछ बेसिक पॉइंट्स को समझें, तो जब भी आपको किसी भी फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट की एनालिसिस करनी होती है, तो उसके लिए जो बेसिक आपके जो रहते हैं वो सेम वही रहते हैं।
तो बेसिक में क्या है, जो आपका पेपर होगा सबसे पहले तो आपको उसकी एनालिसिस करनी होगी, पेपर का टेक्सचर कैसा है, क्या वेट है उसका, उसमें फाइबर्स जो हैं वो डैमेज हैं या क्या है, तो वो सारी जो बेसिक चीज़ें रहती हैं वो आपको वैसे ही एनालिसिस करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप पेपर का ऐश टेस्टिंग भी कर सकते हैं, उसको बर्न करने के बाद में उसकी जो वेट रहती है उसको कंपेयर करेंगे आप क्वेश्चन और स्टैंडर्ड से, तो ये चीज़ भी करी जाती है। उसके अलावा यहाँ पर क्या रहता है कि जो पेपर रहते हैं तो अलग अलग तरह की, अलग अलग टेक्निक की जो फोटोकॉपी मशीन होती है उसमें अलग अलग तरह के पेपर का यूज़ करा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफैक्स टेक्निक जो रहती है, तो इलेक्ट्रोफैक्स टेक्निक में जो पेपर यूज़ करा जाता है उस पेपर का जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है उसमें आपका जिंक ऑक्साइड की अवेलेबिलिटी होती है। उसके अलावा जो जीरोग्राफी वाली टेक्निक जो मशीन्स यूज़ करती हैं वहाँ पर सिंपल पेपर का यूज़ करा जाता है। जो मशीन थर्मल प्रोसेस को यूज़ करती हैं वहाँ पर जो पेपर रहता है वो हीट सेंसिटिव पेपर होता है और उसमें कुछ स्पेसिफिक केमिकल कॉम्पोजिशन भी अवेलेबल होता है। तो आपका पेपर के जब आप एनालिसिस करते हैं उसे केमिकल कॉम्पोजिशन का पता लगाते हैं तो उसकी हेल्प से आप फोटोकॉपी में कौन सी तरह की टेक्निक का यूज़ किया था तो ये चीज़ भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इस तरह का यूज़ करते हुए आप काफ़ी सारे तरह के जो भी आपके सस्पेक्शन में इलेक्ट्रो फोटोकॉपी मशीन होती हैं उसको आप एक तरह से रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो पेपर की क्वालिटी होती है, जैसे कि उसका कलर हो गया, वेट हो गया, टेक्सचर हो गया, टोन है, ट्रेडमार्क है, जो आपके कई बार वाटर मार्क भी अवेलेबल होते हैं, तो ये सारी चीज़ों का भी आपको एग्जामिनेशन करना होता है। ये आपके कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं जो कि आपके प्रिंटिंग में चाहे आप बात करें, चाहे आप फोटोकॉपी में बात करें, चाहे आप नॉर्मल हैंड रिटन की बात करें, सब में आपके बेसिक जो रहते हैं वो आपके सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो अभी हम आगे मूव कर जाते हैं और अब हम बात कर लेते हैं टोनर टाइप के बारे में। सो बेसिकली जो टोनर रहता है जनरली आपके दो तरह के यूज़ होते हैं। एक होता है आपका ड्राई टोनर जो कि आपके उस तरह के फोटोकॉपी मशीन में यूज़ करा जाता है जहाँ पर जीरोग्राफी टेक्निक को यूज़ करा जाता है। जीरोग्राफी टेक्निक मतलब कि ड्राई फोटोकॉपिंग, जहाँ पर आपकी जो इंक रहती है वो ड्राई होती है। उसके अलावा दूसरे तरह के टोनर होते हैं जिसको हम बोलते हैं वेट टोनर, जहाँ पर जो केमिकल्स होते हैं, जो इंक होती है आपकी, वो हल्का सा आपका लिक्विड फॉर्मेट में होती है, बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं होती है, बहुत थोड़ा सा लिक्विड में होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ड्राई टोनर्स होते हैं उसको अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो उसमें क्या रहता है, आपकी ग्लॉसी अपियरेंस देखने को मिलती है टोनर पार्टिकल्स की सरफेस ऑफ पेपर पे, मतलब जब आपके पेपर पे कुछ भी लिखा होता है ड्राई टोनर की हेल्प से तो वहाँ पर आपको वो जो इंक होती है ड्राई टोनर वाली, तो वो आपकी थोड़ी सी ग्लॉसी अपियरेंस देती है जो कि डिफरेंशिएट हो जाती है वेट टोनर से, ठीक है। अब वेट टोनर को यहाँ पर आप लिक्विड टोनर भी कह सकते हैं, तो ये जो आपकी लिक्विड टोनर होता है इसको आप डाई भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रहती हैं आपकी इंडिविजुअल पेपर फाइबर को कलर कर देती है और थिन लेयर कोट मतलब थिन कोटिंग के फॉर्मेट में पेपर के फाइबर्स के ऊपर आपको देखने को मिलती है, मतलब जो यहाँ पर फाइबर्स होते हैं उन फाइबर को भी ये कलर कर देती है। फाइबर के साथ साथ में इसकी सरफेस पर, पेपर की सरफेस पर बहुत ही थिन लेयर की, बहुत ही थिन कोटिंग आपको वहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर हम बात करें टोनर का कॉम्पोजिशन क्या होता है, तो वो जनरली अगर एक नॉर्मल टोनर की बात करें तो उसका जो कॉम्पोजिशन रहता है उसमें आपके जनरली ऑर्गेनिक रेजिन का यूज़ करा जाता है। इसके एग्जाम्पल के फॉर्मेट में बात करें तो ऑर्गेनिक रेजिन्स जैसे कि पॉलीस्टाइरीन है, पॉली मिथाइल मिथाइल एक्रिलेट एंड पॉलीविनाइल ब्यूटाइरल डिहाइड, ठीक है। तो ये सारे कुछ आपके ऑर्गेनिक रेजिन्स होते हैं। और उसके अलावा कई बार यहाँ पर हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन ब्लैक देखने को मिलता है, ये भी आपका एक तरह का टोनर का ही टाइप होता है जहाँ पर ये आपका मेजर कंपोनेंट होता है कुछ तरह की इंक में, जहाँ पर मेजर पोर्शन आपका कार्बन ब्लैक का देखने को मिलता है। अब यहाँ पर टोनर को अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है, तो उसके लिए जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इसकी हेल्प से आप टोनर को बहुत ही आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एक एक को दूसरे टोनर से आप आराम से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्प्लैटरिंग इफेक्ट ऑफ टोनर। सो बेसिकली स्प्लैटरिंग इफेक्ट क्या होता है, तो जब मैंने आपको वर्किंग बताया था तो वर्किंग में क्या था, मैंने आपको बताया था कि जो आपके ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज टोनर का आता है, तो जब ये नेगेटिव चार्ज आता है तो ये डायरेक्टली तो आ नहीं जाएगा,
तो वो थोड़ा सा स्प्रिंकल के फॉर्मेट में आता है। स्प्रिंकल होता हुआ पॉजिटिव की तरफ निगेटिव अट्रैक्ट होता हुआ आता है, तो वो जो स्प्रिंकलेट फॉर्मेट में आता है तो वही आपका स्प्लैटरिंग इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो जब टोनर के पार्टिकल्स जो होते हैं स्प्रिंकल होते हुए ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो वो जो उस टाइम पर फिनोमिना रहता है वही आपका स्प्लैटरिंग इफेक्ट कहलाता है, स्प्लैटरिंग इफेक्ट ऑफ टोनर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर क्या है, बेसिकली ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ टोनर ऑन द लेटेंट इमेज प्रेजेंट ऑन द ड्रम टोनर पार्टिकल्स शोड स्प्लैटरिंग इफेक्ट ऑन द एजेस ऑफ द स्ट्रोक्स। उसके अलावा यहाँ पर जो डायरेक्शन होती है स्प्लैटरिंग इफेक्ट ऑफ टोनर की, उसको ऑब्जर्व किया जाता है एविडेंशियल वैल्यू के लिए, मतलब कि किस डायरेक्शन से लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, राइट साइड से आ रहे हैं, या इक्वली पूरे में ही आ रहे हैं, किस तरह से उनकी स्प्लैटरिंग स्टार्ट हो रही है, ये चीज़ आपकी एविडेंशियल रोल प्ले करती है, जिसका एग्जामिनेशन आप पेपर पे कर सकते हैं। उसके बाद उसके अलावा कई बार क्या रहता है कि जो आपके टोनर के पार्टिकल्स होते हैं उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंटल डैमेज हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से जो टोनर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपकी जो सरफेस होती है उसके ऊपर आ जाते हैं। उसके अलावा कई बार ड्रम का जो पॉजिटिव चार्ज होता है जहाँ पर कंटेंट नहीं भी होता है वो भी आपका कई बार रिमूव नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में भी आपके जो टोनर के पार्टिकल्स होते हैं उसके साथ में अट्रैक्ट कर जाते हैं, तो उसकी वजह से ये जो इंस्ट्रूमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसकी वजह से आपके पेपर पे वो जगह पे आपको इंक देखने को मिलेगी जहाँ पर कुछ गलती रही होगी इंस्ट्रूमेंट की वजह से। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी उस पर्टिकुलर मशीन की, फोटोकॉपी मशीन की इंडिविजुअलाइज्ड करेक्टरिस्टिक फीचर हो जाती है, जो आपको उस पर्टिकुलर फोटोकॉपी मशीन का आइडेंटिफिकेशन करने में बहुत हेल्पफुल रोल प्ले कर जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्प्लैटरिंग इफेक्ट। नेक्स्ट है आपका फ्यूजन मेथड। तो फ्यूजन मेथड, जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्यूज़र आपके यूज़ करे जाते हैं, जिसमें आपका अपर रोलर होता है, लोअर रोलर होता है, ये दोनों आपके फ्यूज़र के पार्ट होते हैं। फ्यूज़र का काम होता है जो भी आपकी इंक है उसको मेल्ट करना, ताकि वो आपके पेपर के ऊपर फिक्स हो जाए, क्योंकि ऐसे तो वो सिर्फ अभी आपके पेपर के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से आया हुआ है, लेकिन उस पर फिक्स करने के लिए उसको थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, ताकि जो इंक है वो पेपर के साथ में फिक्स हो सके, हल्का सा वो मेल्ट हो सके। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ फ्यूज़र्स यूज़ करे जाते हैं। तो उसी में बताया गया है कि जो आपके फ्यूज़र यूज़ करे जाते हैं तो उसमें क्या रहता है, कुछ तरह की हीट, जो हीट रहता है, हीट और प्रेशर होता है, जो कोल्ड प्रेशर होता है, ब्लॉटर होता है, एयर ड्रायर होता है, तो ये अलग अलग तरह के आपके वो जो फ्यूज़र होता है उसके अलग अलग तरह के मेथड्स होते हैं। तो ये भी हर एक तरह की मशीन में अपना अलग अलग उसका इंडिविजुअलाइज्ड फीचर होता है। उसके अलावा यहाँ पर जो आपके जिस तरह की टेक्निक यूज़ करी जाती है, तो वो चीज़ जो रहती है आपकी, कई बार पेपर पे आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि आपका ये तरह का आपका जो फ्यूज़र मेथड है वो यूज़ करा गया है, और इस पर्टिकुलर मशीन में इस तरह का ही यूज़ करा जाता है, तो इस तरह से आप उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपके फ्यूज़र का पार्ट रहता है, जो रोलर होता है, कई बार उसमें इंक के पोर्शन लग गए या फिर उसमें कोई स्क्रैचेस पड़ गए, कोई डैमेज हो गया, तो उसकी वजह से आपके पेपर पे भी वो चीज़ इम्पैक्ट डालती है, तो वो चीज़ भी आपको उसका एनालिसिस करनी होती है। ठीक है, अब उसके अलावा ये जो मेथड्स होते हैं, मार्क्ड इफेक्ट शो करते हैं फाइनल अपीयरेंस ऑफ द टोनर ऑन द पेपर, मतलब पेपर सरफेस पर जो टोनर की फाइनल अपीयरेंस किस तरह की होगी, वो चीज़ आपके ये जो फ्यूज़र होते हैं यही अपना फाइनल इनका टच रहता है, तो ये इसमें जिस तरह का अगर कुछ डैमेज होगा तो वो चीज़ आपके इंक की जो स्प्लैटरिंग होती है, इंक का जो अवेलेबिलिटी होती है आपके पेपर के ऊपर, वो चीज़ उस पर अपना इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं ट्रैश मार्क्स की। सो बेसिकली ट्रैश मार्क्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें एक तो क्वेश्चन यही बन सकता है कि जो ट्रैश मार्क्स होते हैं ये किस चीज़ में देखने को मिलते हैं, कौन से एविडेंस में आपको देखने को मिलेंगे। तो एक तो ये हो जाएगा कि फोटोकॉपीड डॉक्यूमेंट्स में आपको ये ट्रैश मार्क्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा ये होते क्या हैं, सो बेसिकली जैसे कि आपकी जो ग्लास प्लेट होती है जहाँ पर आपको आपका जो डॉक्यूमेंट होता है उसको रखना होता है, उसकी जिसकी फोटोकॉपी निकालनी होती है, उसके अलावा जो आपका फोटो सेंसिटिव ड्रम होता है, साथ में जो आपके फ्यूज़र होते हैं, और जो यहाँ पर आपके जो रेसिडुअल टोनर के जो इम्प्रेशन होते हैं, तो ये सारी चीज़ों पे अगर किसी भी तरह का कोई भी स्क्रैच अवेलेबल हो गया है, स्क्रैच बन चुका है, तो वो स्क्रैच जो रहता है, स्क्रैच मार्क आपके पेपर के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, और वो चीज़ आपको पेपर पर नज़र आती है वो लाइन के फॉर्मेट में।
ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है कि एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आपकी जो फोटोकॉपी मशीन होती है तो उसकी ये ग्लास की प्लेट जो रहती है इसको कवर करने के लिए एक लिड यूज़ करी जाती है। तो वो जो लिड होती है उसकी जो बैक साइड होती है, मतलब कि जब आप मान लीजिए ये एक लिड रखी है, इसको जब आप उठाएंगे तो इसका जो नीचे का पोर्शन होता है वो आपकी हमेशा वाइट कलर की होती है। तो ये वाइट कलर की क्यों होती है, इसका भी एक रीज़न होता है, ताकि जो भी लाइट पड़ रही है, स्ट्रॉन्ग लाइट आती है, तो उसको रिफ्लेक्ट किया जा सके वापस। ठीक है, तो उसके लिए जो लिड होती है फोटोकॉपी मशीन की, वो आपकी वाइट कलर की यूज़ करी जाती है। उसके अलावा यहाँ पर अगर लिड पे भी कोई आपका स्क्रैच अवेलेबल होगा तो वो भी आपका फोटोकॉपी में अपना एक इम्पैक्ट शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर किसी भी तरह कोई भी स्क्रैचेस हैं फोटो सेंसिटिव ड्रम पे, ग्लास प्लेटिन पे, फ्यूज़र रोलर के ऊपर, इंप्रेशन ऑफ रेसिडुअल टोनर्स, तो वो सारा का सारा आपका फोटोकॉपी पेपर पे, जिस भी पेपर पे आपने जेरोक्स निकाला है उस पर, मान लीजिए आपके ये पेपर है तो ये इस तरह से कुछ लाइन के फॉर्मेट में कुछ आपके स्क्रैचेस की तरह से आपको उस पर्टिकुलर पेपर पे देखने को मिलेगा, तो वो ट्रैश मार्क्स कहलाते हैं। वो स्क्रैचेस बेसिकली ट्रैश मार्क्स कहलाते हैं। ठीक है, और ये जो ट्रैश मार्क्स होते हैं ये इंडिविजुअलाइज्ड होते हैं, मतलब हर एक मशीन के अपने कुछ खुद के डैमेज की वजह से वो बनते हैं, तो वो हर एक मशीन के अपने अपने यूनिक होते हैं और वो तब तक नहीं बदलते हैं जब तक कि उस पर्टिकुलर मशीन का उस पार्ट को चेंज ना कर दिया जाए। ठीक है, तो अगर उस पर्टिकुलर मान लीजिए ड्रम पे बहुत सारे स्क्रैचेस अवेलेबल हैं, तो वो स्क्रैचेस अवेलेबल हैं वो आपके जेरोक्स में तब तक आते रहेंगे जब तक कि आप उस पर्टिकुलर ड्रम वाला जो पोर्शन है उसको रिमूव करके उसकी जगह दूसरा ड्रम को ना प्लेस कर दें। ठीक है, उसके अलावा इट हैज़ बिन डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर, पोजीशन, शेप एंड साइज़। अगर ड्रम के ऊपर अवेलेबल है, ग्लास प्लेट के ऊपर अवेलेबल है, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि जो भी आपके स्क्रैच मार्क्स होते हैं तो उसका नंबर कितने हैं, कितने स्क्रैच मार्क्स बन रहे हैं, कितने किस पोजीशन पर हैं, उसका साइज़ क्या है, क्या शेप है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको एग्जामिन करनी होती हैं। उसके अलावा कई बार आपको रिपीटेशन मार्क्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो रोलर रहता है कई बार साइज़ छोटा होता है आपके डॉक्यूमेंट के कंपैरिजन में। तो उस कंडीशन में क्या रहता है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वहाँ पर क्या रहता है आपके, अगर रोलर छोटा है तो उस कंडीशन में आपको रिपीटेड एक ही जगह पर, मतलब एक जगह पर मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट है तो एक बार ये मार्क्स आपको यहाँ दिखे, एक बार ये मार्क्स आपको नीचे दिखे, तो इस कंडीशन में आप जो ड्रम रहता है उसका डाया क्या है, उसका साइज़ क्या है, वो भी आप एग्जामिन कर सकते हैं इन ट्रैश मार्क्स को यूज़ करते हुए, इसका एग्जामिनेशन करते हुए, इसका साइज़, लेंथ, विड्थ, एंगल, मतलब विड्थ नहीं, इसमें जो साइज़ रहता है, जो पोजीशन रहती है, तो ये सारी चीज़ों को एग्जामिन आप करके बहुत सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रैश मार्क, और अभी हम आगे मूव करते हैं, ये है आपका ड्रम डिफेक्ट मार्क। सो बेसिकली अगर आपका वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि स्मॉल डायमीटर है ड्रम का, तो वहाँ पर आप ट्रैश मार्क्स रिपीटेड कंडीशन में आपको देखने को मिलेंगे एक ही कॉपी में, तो वहाँ पर आप जो मार्क्स की पोजीशन रहती है तो वो आप एक ही कॉपी में अगर आपको देखने को मिलता है तो वो चीज़ आपको पता चल जाती है कि जब रिपीटेशन कॉपी होती है तो वहाँ पर भी आपके ये चीज़ फाइंड आउट करने में हेल्पफुल रहती है कि जो आपका ड्रम है उसका साइज़ क्या रहा होगा, इस पर्टिकुलर पेज के बाद में नेक्स्ट पेज कौन सा होगा, क्योंकि वहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है कुछ ट्रैश मार्क्स का, तो वो चीज़ आपकी हेल्प कर जाती है। उसके अलावा जो डिस्टेंस होती है टू ड्रम डिफेक्ट के बीच में वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। सर्कमफेरेंस, बेसिकली जो मैंने आपको बताया सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करने में, तो वो चीज़ हो गई। और उसके अलावा जो डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट साइज, शेप, लोकेशन, पेज एंड सर्कमफेरेंस ऑफ ड्रम एंड सिक्वेंसिंग ऑफ द पेजेस हैव ऑल्सो बीन डिटरमाइंड फ्रॉम द डिस्टेंस बिटवीन टू ड्रम डिफेक्ट्स प्रेजेंट ऑन टू कॉन्सिक्यूटिव पेजेस। दो अलग अलग पेजेस पे जो आपके सीक्वेंस में आपको कुछ ड्रम डिफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, तो उसकी हेल्प से आप पेजेस का क्या सीक्वेंस है, मतलब सबसे पहले कौन से पेज का जेरोक्स निकला, उसके बाद में कौन से पेज का जेरोक्स निकला, तो ये चीज़ भी आप बहुत आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ड्रम डिफेक्ट मार्क्स, और अभी हम आगे मूव कर जाते हैं, और नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं ट्रैश ड्यू टू रेसिड्यूअल टोनर की। सो बेसिकली जो ट्रैश मार्क्स बनते हैं रेसिड्यूअल टोनर की वजह से, उनके बारे में बात करनी है। सो यहाँ पर जो इंप्रेशन बनते हैं, इंप्रेशंस अपीयर्ड ऑन द कॉपी ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ क्लीनिंग पैड टू रिमूव रेसिड्यूअल पाउडर्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ फोटो सेंसिटिव ड्रम। सो बेसिकली जो आपके क्लीनिंग पैड जो रहते हैं, जो आपके क्लीन करने के लिए जो ब्रश वगैरह लगाए जाते हैं, तो जब उनमें कुछ दिक्कत आ जाती है तो उसकी वजह से क्या रहता है, जो ड्रम के ऊपर आपके
ऑलरेडी टोनर अवेलेबल होते हैं, रेसिडुअल पार्टिकल्स जो टोनर के अवेलेबल होते हैं उसको रिमूव नहीं कर पाते हैं अच्छी तरह से, तो उस कंडीशन में जो आपका पेपर रहता है उसके ऊपर आपकी वो एडिशनल टोनर के फॉर्मेट में आपकी इंक नज़र आती है, जो कंटेंट नहीं भी लिखा होता है वो भी आपको वहाँ पर नज़र आता है, क्योंकि जो क्लीनिंग पैड होते हैं जो आपके रेसिडुअल पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए यूज़ कर जाते हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे होते हैं। यहाँ पर ये जो आपके इंप्रेशंस होते हैं ये सिग्निफिकेंट होते हैं और आइडेंटिफाइएबल होते हैं और यूनिक होते हैं हर एक का आपकी मशीन के, और ये आपके नंबर, साइज, शेप, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ों का आप एग्जामिन करते हैं तो वो आप देखेंगे कि सारे के सारे आपके बिल्कुल यूनिक हैं उस पर्टिकुलर मशीन के लिए या फिर उस पर्टिकुलर जेरोक्स के लिए। जनरली वो मशीन के लिए ही बात करी जाएगी, क्योंकि अगर कोई जो आपका क्लीनिंग पैड है, क्लीनिंग ब्रश है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है तो वो हर ही टाइम पर नहीं कर पाएगा, या कई बार रहता है कि थोड़ा टाइम के लिए कुछ फंस गया फिर उसको सही कर दिया गया तो वो फिर से वर्क करने लगा, तो ये चीज़ भी होती है। तो उस कंडीशन में आपका जेरोक्स वो पर्टिकुलर हो सकता है गड़बड़, और उसके अलावा अगर वो प्रॉपरली वैसे ही काम कर रहा है जो किसी ने सही नहीं किया है तो उस कंडीशन में वो उस पर्टिकुलर जेरोक्स मशीन का इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर उनकी जो डिस्टेंस होती है, जो साइज़ होता है, जो शेप होता है, जो लेंथ होती है, वो सारा का सारा उनका इक्वल रहता है, जो कि वर्टिकली इक्वल होता है टू दैट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द फ्यूजिंग रोलर। जो फ्यूजिंग रोलर होता है उसकी जो सर्कमफेरेंस होती है उसकी वर्टिकल लेंथ के ही इक्वल रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी ट्रैश मार्क ड्यू टू रेसिडुअल टोनर्स। एंड नेक्स्ट है आपका, और ये स्पेशली आपका जो फोटोकॉपीड जो कलर फोटोकॉपी होती है उसके लिए यूज़ करा जाता है, जिसको हम बोलते हैं काउंटर फिट प्रोटेक्शन सिस्टम कोड। सो बेसिकली जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा होगा, काउंटर फिट प्रोटेक्शन मतलब किसी भी तरह की कोई फोर्जरी होनी है उससे प्रोटेक्शन करने के लिए इसको यूज़ करा जाता है। तो ये एक तरह का एंटी काउंटर फिटिंग टेक्नोलॉजी होती है जिसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है कलर फोटोकॉपी के अंदर, ताकि अगर कोई भी फ्रॉडुलेंट यूज़ कर रहा है तो उससे उसको प्रिवेंट किया जा सके, उससे बचा जा सके, ठीक है। तो मतलब कि जितने भी आपके जनरली जो कलर फोटोकॉपी होती है वो एक तरह के फोटोकॉपी होती है, लेकिन वो क्या करते हैं, कुछ लोग प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल दिखाने के लिए कोई भी दूसरा है तो उसी की आपके जेरोक्स निकाल लेंगे कलर फोटोकॉपी से, तो उसी चीज़ से बचने के लिए यहाँ पर एक तरह का काउंटर फिट प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया जाता है जिसको हम एंटी काउंटर फिटिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। और ये बेसिकली कलर फोटोकॉपी में यूज़ करा जाता है फ्रॉडुलेंट यूज़ को अवॉइड करने के लिए, एंड इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ अ पैटर्न ऑफ येलो डॉट्स एंड नियरली इनविजिबल टू नेकेड आइज। सो इसमें होता क्या है, जब आप किसी भी पर्टिकुलर पेज से जेरोक्स निकालेंगे तो उसमें क्या रहता है, उसमें कुछ येलो कलर के डॉट्स नज़र आते हैं, इनविजिबल ही वैसे नज़र नहीं आएंगे, लेकिन जब आप इसको किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर जैसे कि कुछ यूवी रेज हो गई या फिर आपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो वहाँ पर आपको येलो डॉट्स की तरह से नज़र आता है, तो वो चीज़ आपको बताता है कि यहाँ पर फोर्जरी हुई है या नहीं हुई है। ये जो पैटर्न होता है येलो डॉट्स का, ये पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट के सरफेस पर ही अवेलेबल होता है, बट कुड बी मोर इजीली सीन इन एरिया ऑफ डॉक्यूमेंट वेयर देयर इज़ नो प्रिंटिंग। जहाँ पर आपकी प्रिंटिंग नहीं होती है उस जगह पर आपका स्पेशली ये चीज़ देखने को मिलती है। तो जो भी आपकी कलर फोटोकॉपीड होती हैं तो वहाँ पर आपके येलो डॉट्स नज़र आएंगे जब आप उसका एग्जामिनेशन करेंगे, तब जब आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तब, और जिस जगह पर मान लीजिए कुछ आपका इस तरह का पेज है, ये पूरी जगह कुछ ना कुछ लिखा हुआ है लेकिन नीचे का ये पूरा आपका स्पेस खाली है, तो इस जगह पर येलो डॉट्स आपको बहुत ही क्लियरली नज़र आएंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, जो काउंटर फिटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम कोड होता है ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है जितने भी कलर्ड फोटोकॉपीड होती हैं, और स्पेशली जो आपकी प्रिंटिंग प्रिंटआउट वगैरह रहते हैं तो उससे उसको डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, कौन सा फोर्ज डॉक्यूमेंट है, तो आप येलो डॉट्स का एग्जामिनेशन करके आराम से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका, और अभी यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सब बेसिकली यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन आया था, पेपर में क्वेश्चन आया था, आपके प्रीवियस ईयर पेपर में भी क्वेश्चन आया था कि ग्रैबर मार्क्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ ग्रैबर मार्क और इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है। सो बेसिकली जो ग्रैबर मार्क होते हैं, एक तरह से जो आपके फोटोकॉपीड डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, और आपके अगर ग्रैबर मार्क की बात करें तो जो आपके ग्रिपिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ग्रिपिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब है पेपर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए, जैसे कि आपकी स्टार्टिंग पेपर ट्रे में पेपर को
कैरी करने के लिए कुछ रोलर लगे हुए थे, कुछ पिन लगी हुई थी, फिर रजिस्टर रोलर थे, उसके बाद में रिमूव करने के लिए और जो आपके फ्यूज़र रोलर से बाहर निकालने के लिए पेपर को, तो वहाँ पर भी कुछ ग्रिपिंग इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल थे। तो वो जो ग्रिपिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें कुछ दिक्कत आ जाती है, उसमें कुछ डैमेज हो जाता है, उसमें प्रॉपर पेज उसमें कुछ ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गया या रिलीज़ हो गया है, तो उसकी वजह से पेपर पे इम्पैक्ट पड़ता है, पेपर पे बहुत सारे आपके मार्क्स बन जाते हैं, डैमेजेस हो जाते हैं। तो वो जितने भी इम्पैक्ट पड़ते हैं ये ग्रिपिंग इंस्ट्रूमेंट की वजह से, तो वो आपके ग्रैबर मार्क कहलाते हैं। ग्रैबर मार्क का मतलब है, स्पेलिंग होती है GRABBER, ठीक है। तो ये आपके ग्रैबर मार्क्स कहलाते हैं, और ये जो ग्रैबर मार्क्स होते हैं इसको आप ग्रिपिंग मार्क्स भी कह सकते हैं। एंड इट इज़ द वन विच ग्रिप्स द पेपर एंड डस इट्स मार्किंग विद विल ऑलवेज बी प्रेजेंट इन द पेपर इन द केस शोन बिलो। देयर आर वेरी स्लाइट ग्रिप मार्किंग ऑन द बॉर्डर्स ऑफ बोथ सैम्पल्स एंड मार्किंग्स आर वन ऑफ द सेम पैटर्न, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ब्लैक स्ट्रीक्स की। सो बेसिकली जो ब्लैक स्ट्रीक्स होती हैं वो अगर आपके जो भी आपके पोजीशंस होते हैं कुछ मशीनरी के अंदर जो रोलर्स अवेलेबल होते हैं उनकी अगर पोजीशंस कुछ आगे पीछे हैं, तो उस कंडीशन में क्या रहता है कि जो भी आपके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं कुछ आपके स्ट्रीक्स बन जाती है, कुछ स्मजेस हो जाते हैं कॉपी के ऊपर, तो उसकी वजह से वो प्रॉपर क्लीन नहीं हो पाते हैं, अच्छी तरह से साफ़ नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से ब्लैक स्ट्रीक्स के फॉर्मेट में, ब्लैक लाइंस के फॉर्मेट में कुछ कुछ आपकी लाइंस बन जाती हैं ब्लैक कलर की, जो कि आपके पेज पे नज़र आती हैं। तो वो चीज़ आपकी ब्लैक स्ट्रीक्स कहलाती है, जो कि बेसिकली मशीनरी के अंदर जो रोलर अवेलेबल होते हैं उनकी जो डिज़ाइन होती है या फिर उनका जो प्लेसमेंट होता है वो प्रॉपरली नहीं होता है, तो उसकी वजह से ब्लैक स्ट्रीक्स बनता है। तो ब्लैक स्ट्रीक्स भी एक तरह से आपका फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट के ही एग्जामिनेशन में यूज़ करा जाता है। तो जो ब्लैक स्ट्रीक्स मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे वो भी आपको फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो ये चीज़ें हो गई। एंड यहाँ पर बेसिकली जो ग्रैबर मार्क था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था, और बाकी ब्लैक स्ट्रीक्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बट एज सच उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस ये चीज़ याद रखिएगा कि जो ब्लैक स्ट्रीक्स मार्क होते हैं, ब्लैक स्ट्रीक्स होती हैं, वो भी आपका फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट में एग्जामिनेशन के पर्पज़ से यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी तरह के एग्जामिनेशन हो सकते थे, फिजिकल एग्जामिनेशन हो सकते थे, उसको यहाँ पर हमने कवर कर लिया है। इसके बाद में कुछ आपके इंस्ट्रूमेंटल एग्जामिनेशन होते हैं, तो उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। एंड यहाँ पर ये वीडियो होता है एंड। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देंगे, उसके अलावा यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर इसकी PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो वहाँ से आप टेलीग्राम पर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा क्वेश्चंस के लिए हमारे जो वेबसाइट है, जो ब्लॉगर है, वहाँ पर ज़रूर से विजिट करिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के पर्पज़ से वहाँ पर अवेलेबल हैं। और वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कॉन्टेंट पहुँच जाए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर।